मियां खलीफा नहीं आई प्रदर्शन के समर्थन में, वो भी तो कुश्ती चैंपियन है ब्रो। बीजेपी नेता जनार्दन मिश्रा ने विवादित ट्वीट किया और तस्वीर लगाई पहलवानों के साथ भावुक बैठी प्रियंका गांधी की। राजनीति का स्तर बीजेपी नेता जनार्दन मिश्रा ने कुछ इस कदर गिराया कि उनके कमेंट सेक्शन में उन्हें ही खरी खरी सुनाने वालों की लाइन लग गई। जनार्दन मिश्रा के कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स खूब खरी खरी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि कितनी घटिया मानसिकता है, तो दूसरे ने लिखा सार्वजनिक जीवन में थोड़ी शुचिता जरूर रखें, आप लोग समाज और देश को नेतृत्व देने की इच्छा रखते हैं, शुचिता का संकल्प भी रखें। तो तीसरे यूजर ने बीजेपी को टैग करते हुए लिखा कि बीजेपी के नेता महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता जाहिर कर ही देते हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता को सोशल मीडिया पर यूजर सिखा भी रहे हैं कि राजनीति के चक्कर में महिलाओं का सम्मान करना भूल न जाए। इस विवादित पोस्ट के बाद बीजेपी नेता जनार्दन मिश्रा लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उन्हें भी उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। इस ट्वीट के बाद बीजेपी भी हैरान होगी कि उसकी पार्टी में ऐसे भी नेता हैं जो देश की महिलाओं की तुलना किसी पोर्न स्टार से कर दे रहे हैं। राजनीति में ट्विटर किसी अखाड़े से कम नहीं कहलाता, लेकिन बीजेपी नेता जनार्दन मिश्रा के ट्वीट से तो ऐसा लग रहा है कि जनार्दन मिश्रा सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे विवादित ट्वीट कर रहे हैं। मतलब सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी लिख दो, जनता ट्रोल भी करेगी तब भी तो सुर्खियां मिलेंगी ही। जनार्दन मिश्रा ने सिर्फ प्रियंका गांधी पर ही ट्वीट नहीं किया, इससे पहले उन्होंने कई ट्वीट धरने पर बैठे खिलाड़ियों पर भी किए थे। एक ट्वीट में जनार्दन मिश्रा ने लिखा कि लंगोट कच्चे पहन के पहलवानी कर रहे थे तो इज्जत मिली, आज पूरे कपड़े पहन कर धरना देने से तुम तो नंगे हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ट्वीट और करके लिखा कि लोग दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं लेकिन महिला पहलवान खुद पर ही कीचड़ उछाल रही है। अगले ट्वीट में वो पहलवानों के यौन शोषण वाले आरोप पर सवाल खड़े करते हैं और लिखते हैं कि एक आम लड़की को तुरंत पता चल जाता है कि उसका यौन शोषण हुआ है, पर जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं उनको सालों लग जाते हैं समझने में कि उनका यौन शोषण हुआ है, ऐसा क्यों। जनार्दन मिश्रा पहलवानों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं और लिखते हैं कि जो खानदानी पहलवान है वो पटक कर मारता वहीं पर, तुम्हारा यौन शोषण बता रहा है कि तुम्हारी पहलवानी नई नहीं है। इतने तीखे और विवादित लफ्ज जिस पर बीजेपी आलाकमान भी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन आए दिन ऐसे बयान देकर बीजेपी नेता जनार्दन मिश्रा राजनीति के स्तर को गिराते जा रहे हैं। इस ट्वीट पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर सवाल यह है कि क्या बीजेपी आलाकमान अपने नेताओं को ये तक नहीं समझा पा रहे हैं कि इस तरह के अमर्यादित लफ्ज उनकी पार्टी के लिए अच्छे नहीं है। जहां एक महिला नेता महिला खिलाड़ियों की तस्वीर को ट्वीट करके किसी पोर्न स्टार से कंपेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सभी सातों शिकायतकर्ता महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दी है। सभी की सुरक्षा में एक एक सिपाही को तैनात किया गया है और राजनीति के दिग्गजों के साथ खेल जगत के लोग भी इन पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन बीजेपी नेता जनार्दन मिश्रा के अमर्यादित ट्वीट पर उन्हें ट्रोल कर जनता उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।